दोस्तों आज और एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी। क्या आपको मुंह के छाले होते हैं? अगर होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आप लोग जानते हो मुंह के छाले एक आम बीमारी है। ये ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। ये मुख्यतः जीवन सत्वों की कमी के कारण होती है, जैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन सी। संपूर्ण संतुलित आहार की कमी के वजह से भी होती है। मुंह में एक बार छाले हो तो कम से कम एक हफ्ते तक रहते हैं। ये व्यक्ति को बहुत सताते हैं। खाना खाने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, कभी कभी इसके साथ बुखार भी हो जाता है। आखिर मुंह के छाले क्या होते हैं? ये त्वचा पर हुए घाव हैं जो कि त्वचा की उपकला मतलब इपिथेलियम की निरंतरता के टूटने से होते हैं। इसका सरल शब्दों में अर्थ है त्वचा या स्किन का टूटना। ये घाव लाल होते हैं और यहाँ जलन होती है। कुछ नमकीन तीखा यहाँ लगने से भी जलन होती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हर बार छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टरों से मिलना संभव नहीं हो पाता है। इसी के लिए पुरातन काल से कई छोटे उपाय घर में ही किए जाते हैं। भारत में सालों से लोग घर में ही कुछ छोटे और अच्छे असरदार उपाय करते हैं। इससे काफ़ी राहत मिलती है। इसी को घरेलू नुस्खे कहते हैं। तो मुंह के छालों के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक छोटा चम्मच खाने का सोडा ले, इसे कुछ पानी की बूंदों के साथ मिलाए। इस मिश्रण को जहाँ छाले हुए हैं वहाँ लगाए। ये मिश्रण वहाँ पर 15 मिनटों तक लगा के छोड़ दें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों क्या आपको ये घरेलू उपाय काम आ रहे हैं? अगर काम आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं और भी ऐसे ही कई सारे घरेलू नुस्खे आपको बता सकूं। मेरा ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना ताकि सभी को इसका लाभ हो। धन्यवाद।